बताओ। सो गाइस हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं क्योंकि तुमने मेरा जीना आराम कर रखा है। इन्होंने बनाए, मेरा फोन आ गया, मैं फोन पे बात करने लगी। मैंने वापस आके देखा कि चलो अभी थोड़े बहुत खा लेती हूँ। इन्होंने मेरे लिए कितने राइस छोड़े मैं वो दिखाती हूँ। ये तो मैं दिखाऊंगी, ये देखो, मतलब इसमें अगर मैं पूरा पूरा कैमरा घुमा दूं ना, इसमें राइस नहीं है कहीं, जो नीचे चिपके हुए है ना, ये छोड़े, कुछ लज्जा है तुम्हारे अंदर? एक इंडी से उन्हें नहीं खाने कुछ लज्जा है इनमें, कैसे ज्यादा बना लिए पर पर के। मतलब ठीक है यार, तुमने इतने इतने खाए, मेरे लिए इतने थोड़े दो चार दाने छोड़ देते यार। दो चार दाने तो भी ज्यादा है, बस कमेंट करके जरूर दसियो, इतने दो चार दाने तो ज्यादा। ले अपना कुछ अलग से बनाना पड़ेगा, ये दो तीन दिन चल जाएंगे राइस मेरे, आराम से खाऊंगी बाद में। शुभ थनेरी अनबॉक्सिंग होगी, आ जाओ बाहर उठाओ, चलो बच्चे उठाओ, चलो बर्थडे टू मी। बहुत एक प्यारी सी चीज हमें रिसीव हुई है जिसकी अनबॉक्सिंग अब मैं करने वाली हूँ। टंटन चीजियां है इसके बीच। हाँ, ये सारा कुछ इसके अंदर आया है, हमें रिसीव हुआ है खाना है। जैसे तुमने मेरे को राइस दिए थे ना खाने को, मैं तुम्हें वैसे ये दूंगी अब खाने को, खाना तुम। सो गाइस आई गॉट दिस स्मार्ट एयर फ्रायर फ्रॉम यूल्टेनिक। इसका पर्पज मेरे लिए रहेगा, जैसे बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं बनाना चाहती हूँ बट उसमें बहुत सारा ऑयल हो जाता है, बहुत घी हो जाता है, तो एयर फ्रायर आपको उन सब चीज़ों से बहुत बचा देता है और बैकग्राउंड को इग्नोर करें। आज लाल है, पहले बच्चा लाल दुपट्टा दे। से पहले इनको बनाने वाली इसमें। तुमने मेरा जीना आराम कर रखा है, साथ करके थोड़ा दिल लग गया है। और मेरे फैंस, हाय हाय, व्हाट अबाउट माय फैंस, तारेंगे ये। इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई फॉरगॉट द मोस्ट सिंपल वर्ड्स। अनबॉक्सिंग करने के बाद ये एयर फ्रायर कुछ ऐसा नजर आया है। ओके, एक्साइटेड है इसको यूज करने को लेके भी, तो आज हम इसका जो उद्घाटन करेंगे। क्या बनाना चाहते हो गर्ल्स सबसे पहले? आलू के पकौड़े। चलो केक बनाने। आलू के पकौड़े दो बिल्कुल अलग अलग, एक आलू के पकौड़े एक केक। इसके अंदर आप बहुत सारी रेसिपीज तैयार कर सकते हो, फ्रॉम नॉन वेज टू डेजर्ट्स, मीठा, नमकीन। चलो बच्चों फिर निकालो आलू, आज बनाते हैं इसके अंदर हम पोटैटो। क्योंकि अपने टीम की काफी फेमस है पोटैटो वेजेस, तो आज हम वही बना रहे हैं। थोड़ा सा सॉल्ट रखा है इसके ऊपर, थोड़े से चिली फ्लेक्स और घी जरा जरा सा हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ से जो है आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। नाउ दे आर प्रिपेयर्ड। पोटैटो वेजेस लेते हैं, सही बताइयो, कट ले प्लेट च ठूसकन मर जाना ही ये मैडम हमारे से मुंह फुला के गई थी और अब अपने आप आई बिना बुलाए। दिखाते हैं उसका ब्लेड बाकी। सच में सच में ऐसी फील आ रही है, अब बाहर से पोटैटो फ्राइज और ये लेने बंद कर देना। अब मेरे को एक अच्छा सब्स्टिट्यूट मिल गया हेल्दी वे में, नमक, मिर्च और अपना घर वाला घी। इसके अलावा कोई इंग्रेडिएंट, कोई एक्स्ट्रा चीज़, कोई क्रीम, कुछ भी नहीं है। और स्टिल मतलब बाहर के जो अपनी टीम वाली वेजी है ना, उसको फेल कर दिया भाई, इतने इतने क्रिस्प। स्टॉल यार अच्छा आइडिया है, स्टॉल लगाए है? मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैं भी सीरियसली कह रही हूँ। किधर लाना है? एक एयर फ्रायर से हमारा काम चल सकता है, ठेला कित लगाना बताओ। सो गाइस हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं।
और अभी तो हमें सिर्फ एक डिश बनानी आई है, सोचो हम इस पे और सारी डिशेस बनाने लग गए तो हम क्या करेंगे। घर बैठे पैसा, पैसा ही पैसा, होम डिलीवरी। डिलीवरी तू करने जानी है? लाइसेंस मेरा G2 और बनने दे, ले लेंगे होम डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। बना दिया करना, सच में करा काम ले रखी होती सीरियस लेगी। तो गाइस ये मेरी प्री वर्कआउट मिल तैयार हो गई, जिसमें मैंने अंडे, एक ब्रेड, योगर्ट और बनाए तो ये कुछ मैंने मेरे लिए थे, और इन मैडमों ने सिर्फ मेरे को एक पीस दिया, और इनको इतनी पसंद आई है कि हम और बनाने जा रहे हैं। एक प्लेट ये, तो अब दो प्लेट और बनेंगे, इनको इतनी पसंद आ गई चीज। और जो है मौसम एकदम बदल गया, तो हमने सोचा कि क्यों ना अपनी फ्राइज का जो आनंद यहाँ बैठ के लिया जाए। मूविंग ऑन टू द फीचर्स पार्ट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, आई गॉट दिस स्मार्ट एयर फ्रायर फ्रॉम यूल्टेनिक, और इसके अंदर मेरे को ना मेनली जो इसके सबसे बेस्ट पार्ट लगे थे वो थे कि मतलब ऑल इन वन फीचर मशीन लगी मुझे ये, जिसके अंदर आप सिर्फ एक ही नहीं मतलब अलग अलग वेराइटी की न जाने कितनी डिशेज तैयार कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी बॉडी को डिस्क्राइब कर दूँ। सबसे ऊपर हमें मिलते हैं यहाँ पे इसके कंट्रोल पैनल, इट्स बॉडी, देन वी गॉट दिस हैंडल अलॉन्ग विद द फ्राइंग बास्केट। इसके अंदर अपने को बास्केट मिलता है जिसके अंदर आप सारे डिश तैयार कर सकते हैं। ऊपर जो कंट्रोल पैनल्स है, इसके ऊपर ये जितने भी आइकन्स बने हुए हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, जितने भी आइकन्स हैं आप अपनी जो रेसिपी है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कि लाइक फ्राइज, फिश, केक, पिज्जाज, ब्रेड, गार्लिक ब्रेड, एनीथिंग, लाइक वट एवर यू वॉन्ट, देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन जो आप इसके अंदर कवर कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि यार पनीर खाने का मन है बट देन पैन में बनाते हैं या सॉस पैन में बनाते हैं तो हमें घी यूज़ करना पड़ता है या ऑयल यूज़ करना पड़ता है, तो आपकी डाइट के अकॉर्डिंग अगर आपको घी ऑयल कम ऐड करके और हेल्दी और टेस्टी मील बनाने, तो उसके पर्पज़ से मेरे को ना ये मशीन सबसे बढ़िया लगी। कोई हेल्दी सा केक बनाएंगे, डार्क चॉकलेट केक। तो अब मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपने जिम की जितनी भी मेरी रेसिपीज है ना वो मैं इसमें ट्राई करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच यूल्टेनिक फॉर सेंडिंग दिस अमेजिंग स्मार्ट एयर फ्रायर, एंड आई एम टोटली इन लव विद ऑल द फीचर्स ऑफ दिस मशीन। खा पी के रेस्ट करके एक घंटा भी हो गया है, प्री वर्कआउट मिल भी अच्छे से डाइजेस्ट हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो गया उस बात को। अब चलते हैं बढ़िया अपना वर्कआउट कर रहे हैं। तो आज मैं कर रही हूँ क्वार्ट्स, मैक्स अब तक का हैवी कर पाने वाली थी ना, आज मैंने उतना हैवी किया। अच्छा वर्कआउट हो ना तो प्रोटीन पीने की एक्साइटमेंट भी ज्यादा ही होती है, तो लेट आओ ना तो मशीनें भी बहुत कम मिलती है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, बट जैसे तैसे जो है मैनेज हो गया था। अब चलते हैं घर। तो जी पहुंच चुकी हूँ घर पे, और इनको ना इन मैडमों को अगर मैं किचन में छोड़ के जाऊंगी तो ये मेरे को किचन में ही मिलेंगे क्योंकि इनको बैक यार्ड में छोड़ के जाऊंगी ये बैक यार्ड में मिलेंगे, इनको किसी प्लाजे में छोड़ के जाऊंगी प्लाजे में मिलेंगे। चक्कर क्या है भाई तुम्हारा? बस एवं ही तो नहीं, कुछ तो बात है, जहाँ छोड़ के जाऊंगी ना वही मिलेंगी, हिले नहीं बिल्कुल भी, इतने आलसी बच्चे है ना ये, मैं बता नहीं सकती। मेरे से कम कुछ सीखो, थोड़ा बहुत हिल डुल लिया करो, ये तोंद देख घुटनों तक आ जाएगी थोड़े दिनों में। गाइस कमेंट करके जरूर दस्तों में जिम जाने की लोड है या नहीं है, मैं बता रही हूँ गाइस ये बताऊंगी क्योंकि मैं तेरे को देखती हूँ फैट परसेंटेज कितना हो चुका है। शावर लेके हम पधार चुके हैं हमारे किचन ग्रह में, किचन ग्रह। ये मेरी सखी सहेलियां कुछ तो पहले ही पकवान पका रही है जो की मुझे दिखने से ही बहुत अनहेल्दी लग रहा है, तो मुझे अपने लिए कुछ सेपरेटली पकवान बनाने पड़ेंगे। देखा मैंने पहले बता दिया था ना कुछ ऐसा वैसे बना रही है। पास्ता है स्वर्गों का रास्ता, पास्ता है स्वर्गों का रास्ता, फिर जैसे हो जाओगी ये। चब्बी चिक्स पसंद है, लेकिन बेटा तेरे डबल चिक्स और डबल चिन और सब कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। नहीं मेरे नहीं है, नहीं है कि तुझे नहीं पता, हरमन तेरी है तुझे नहीं पता। बोल इस महीने आपने क्या मुझे घर खर्च के पैसे डाल दिए। डिनर हो गया है,
अब बस थोड़ी बहुत देर यहीं बैठेंगे। किचन ही मेन स्पॉट होता है, आप लोगों ने कई व्लॉग्स में देखा भी होगा।